बात छोड़ा करता फेस पे है पिठा पे वार ना। तो और गाइस कैसे हो आप सभी, होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार की एटीट्यूड स्टेटस वीडियो। सो गाइस अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइस अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके साइड लाइक बेल आइकन जो दबा दीजिए। तो गाइस चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आपको जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर ऐप की, और आपके पास नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस इस प्रकार से काइन मास्टर में आने के बाद फिर आपको पर सेकंड पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा जो काइन मास्टर है वो ब्लू वाला है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं लिंक डायरेक्ट सेंड कर दूंगा। सो गाइस इस प्रकार से आपको आ जाना है, और यहाँ पे सेटिंग में जाना है, एडिटिंग में जाना है, उसको यहाँ से फिल स्क्रीन कर देना है, मीडिया क्लिक करना है, और सबसे पहले ये वाला बैकग्राउंड इमेज को एड करना है। तो गाइस ये सब ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो गाइस फिर हमें इस प्रकार से इसको सही से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर लेयर पर क्लिक करना है, और मीडिया क्लिक करना है, और ये वाला इमेज को सबसे पहले एड करना है। यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से एड करना है। एड करने के बाद यहाँ पे लेकर आना है, इसको सही से एडजस्ट कर देना है। तो इस इमेज को मैंने खुद से बनाया पिक्सल वेब से, आप चाहो तो बना सकते हो। तो इस प्रकार से आपको सही से एडजस्ट कर लेना, और इसका जो लेंथ इस प्रकार से बढ़ा देना है। सो गाइस फिर लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और फिर से ये वाला इमेज को एड करना है, और इसको यहाँ से ऊपर लेकर आना है, और ऊपर में इसको सही से एडजस्ट कर देना है। तो ये हो चुका गाइस, आप लोग देख सकते हो, फिर इसका जो लेंथ इस प्रकार से बढ़ा देना है। तो ये लेंथ बढ़ चुका है, फिर हमें लेयर पे क्लिक करना है, और मीडिया पे क्लिक करना है, और जो भी अपना इमेज है उसको सिलेक्ट करना है। तो गाइस मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और गाइस आपका जो इमेज कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, और उसका बैकग्राउंड इरेज होना चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है, ऊपर आई बटन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख के सीख सकते हो। तो गाइस इस प्रकार से आपको इमेज को एड कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे इमेज एड करने के बाद इसका साइज अच्छे से एडजस्ट कर लेना, और इसको सही से एडजस्ट कर लेना। इस प्रकार से आपका इमेज जहाँ भी सही से एडजस्ट हो रहा है उस प्रकार से आप सही से एडजस्ट कर लेना। आप इसी प्रकार से अगर बैठ के इमेज बनाओगे तो सही रहेगा। मैं ये वाला इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे इसको भी यूज़ कर सकते हो, और आप भी ट्यूटोरियल डालते हो अपने चैनल पे। तो इस प्रकार से देख सकते हो, इस प्रकार से मैंने एडजस्ट कर दिया है, आप उसको सही से एडजस्ट कर लेना। और इसमें आप मिरर इफेक्ट लगाना चाहते हो तो उसके लिए मैं थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट निकाल लेना एक, और उसको नीचे से इस प्रकार से लगा के, वैसे तो ये वाला जैसा इमेज है उस प्रकार से ये तो लगेगा नहीं, मिरर इफेक्ट इसमें कभी नहीं आएगा। तो फिर भी इस प्रकार से मैं इसको लेके आ जाता हूँ, इसको लगा देता हूँ इस प्रकार से। तो इसमें इस प्रकार से मेरा इफेक्ट आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको उस साइड घुलटाऊंगा तो बिल्कुल भी इसमें मेरा इफेक्ट नहीं आने वाला है। इस प्रकार से आप लगा सकते हो, अगर लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं तो इस प्रकार से लगा सकते हो, थ्री डॉट पे क्लिक करके सेंड बैक कर सकते हो। तो इस प्रकार से हो चुका गाइस, आप लोग देख सकते हो। फिर हमें लेयर पर क्लिक करना है, और मीडिया पर क्लिक करना है, और गाइस सबसे पहले ये वाला वीडियो को एड करना है। एड करने के बाद यहाँ पर इसका क्रोमा की में जाना है आपको, और इसको इनेबल कर देना है। तो ये इनेबल हो चुका है, और हमारा जो की कलर रहेगा उसको ग्रीन सेलेक्ट करना है आप, ओके। तो इस प्रकार से आपको सही से एडजस्ट कर लेना है गाइस। एडजस्ट करने के बाद साइज को थोड़ा छोटा कर देना है, नीचे लेकर आना है, इसको सही से एडजस्ट कर देना है इस प्रकार से। अब ये एडजस्ट हो चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। और थ्री डॉट पे क्लिक करना है, इसका एक डुप्लीकेट निकालना है, और उसको ऊपर लेकर आना है, ऊपर साइड, और इसको यहाँ से सही से एडजस्ट कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको सेंड बैक कर देना है, और जो है हमारा जो एपेसिटी है उसको थोड़ा घटा देना है। तो गाइस इस प्रकार से हो चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस फिर हमें यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, ओवरलैप क्लिक करना है, और आपको ये डाउनलोड कर लेना है। गेट मोड पे क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखते हो स्पॉटलाइट, आप जैसे गेट मोड पे क्लिक करोगे तो आप उसको आराम से डाउनलोड कर पाओगे, और उसको इस प्रकार से एड कर लेना। और आप कोई भी एड करना चाहते हो उसको आप यहाँ से एड कर सकते हो। तो अगर मैं एक एड कर लेता हूँ, ये वाला ब्लू वाला देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको एड कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको एड कर लेना है, मैं साइड इसको एड करूँगा ताकि हमारा फेस भी ना जाए। तो इसको आप सही से एडजस्ट कर लेना, और यहाँ पे फिर लेयर पे क्लिक करना है, और मीडिया पे क्लिक करना है, और ये इफेक्ट को एड करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मैं उसको एड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस फिर हमें इफेक्ट एड करने के बाद इसको रोटेट कर देना है इस प्रकार से। रोटेट करने के बाद साइज को इस प्रकार से बढ़ा देना है, और ब्लेंडिंग में जाके इसको स्क्रीन कर देना है। तो गाइस इस प्रकार से हो चुकी है, और हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं वीडियो पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो गाइस बाकी सब आप सही से एडजस्ट कर लेना, फिर आपको सर अन पे क्लिक करना, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस ये आज का वीडियो, होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।